स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल जीके स्पेशल पर। आज हम इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे जीके से महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? उत्तर है 17। कुल 17 भाषाएं भारतीय करेंसी नोट पर लिखी होती है। अगला सवाल, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है मुंबई में। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वह हुआ था 1969 में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला सवाल, रुपए के चिन्ह की रचना किसने की? इसका उत्तर है उदय कुमार ने रुपए के चिन्ह की रचना की। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका उत्तर है वित्त मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? तो किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर है 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? उत्तर है उद्योगों को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला सवाल, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी? तो उसका उत्तर है 1948 में भारत में पहली बार औद्योगिक नीति बनी थी। अगला सवाल, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो वह है कपड़ा उद्योग में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1995 में हुई थी। भारत में सबसे पहले आमदनी पर कर लगाने की शुरुआत किसने की? उत्तर जेम्स विल्सन ने। भारत में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह होता है मध्य प्रदेश में। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? उत्तर राज्य सरकार का। अगला सवाल, पवन ऊर्जा के उत्पादन क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर है 4th स्थान। भारत में GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है महाराष्ट्र। भारत में GDP के मामले में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र राज्य का है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? उत्तर है मौसमी बेरोजगारी। यह कृषि क्षेत्रों में देखी जाती है। अगला सवाल, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है केसी नियोगी। केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? इसका उत्तर है भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील प्रकार की है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? उत्तर सेवा क्षेत्र का। अगला सवाल, आर्थिक समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? तो वह होती है साधनों की कमी के कारण।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। आखिरी सवाल, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? उत्तर अमेरिका। अमेरिका यह देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ में ही आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करें।